आप देख सकते हैं सर्कल बना हुआ है इधर। तो आज हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था, जो कि सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, उसकी हम एक कॉपी करने जा रहे हैं। और ये आइडिया मुझे मिला शशि कुमार बीएस के यूट्यूब चैनल से। तो कर्नाटक के एक टीचर हैं, तो उन्होंने ये सर्कल किया था, तो हम इसे रिप्लिकेट करने जा रहे हैं। बारी बारी से गिराएंगे और देखते हैं क्या होता है। बीकर ये ना, तो आप देख सकते हैं कि ये बीकर है, ये कॉपर का लोटा गिरने के बाद, ये स्टायरोफोम कप गिरने के बाद, और ये मिट्टी का सकोरा देने के बाद तीन चार हिस्सों में। तो वजन बढ़ाते जाएंगे तो ये जो रस्सी है और नीचे खिंचती चली जाएगी, ठीक है ना। तो अच्छा होगा यदि आप इलास्टिक लें, ये 10 रुपए की आती है इलास्टिक, मैंने 3 मीटर ली थी, 10 रुपए की 3 मीटर आती है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो जैसे जैसे पानी बढ़ाते चले जाएंगे इसकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी। अब भी एक्सपेरिमेंट आप कीजिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया। काफी शांति से कीजिएगा इसे, काफी अच्छा और काफी नॉलेजेबल एक्सपेरिमेंट है। इससे कई सारी चीजें आपकी सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगी।